हेलो दोस्तों, मैं मोहम्मद अजमूल और आप देख रहे हैं टेक्नोसॉफ्ट यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज के वीडियो में बात करेंगे 21 मई 2020 यानी कि कल पृथ्वी की ओर एक बड़ा सा एस्टेरॉयड बेहद ही स्पीड से आ रहा है। क्या इससे पृथ्वी की कोई प्रॉब्लम हो सकती है? क्या हमें कोई असर गिरने वाला है? क्या इससे वर्ल्ड ध्वंस हो सकती है? इन सब चीज़ों में चर्चा करेंगे। उससे पहले आपको ये बता दूँ, 2020 के फर्स्ट से COVID-19 की इस बीमारी से हम लोग जूझ रहे हैं। इस क्राइसिस से हम लोग परेशान हैं, घरों में लॉकडाउन होकर बैठे हुए हैं। उसके बाद फिर एक साइक्लोन, फिर कल एस्टेरॉयड आने वाला है। क्या 2020 को कंप्लीट करके 2021 में हम एंटर कर पाएंगे? जरूर आप कमेंट करके बताएं। तो चलिए दोस्तों, हर बार की तरह आपको रिक्वेस्ट करूंगा, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और जो इस चैनल में नए हो प्लीज सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। जी हाँ दोस्तों, 21 मई 2020 यानी कि कल बेहद ही खतरनाक एस्टेरॉयड पृथ्वी की ओर आगे बढ़ रहा है, जिसको बहुत ही बड़ा एस्टेरॉयड में शामिल किया जाता है और बेहद ही खतरनाक एस्टेरॉयड माना जाता है यूनिवर्स में। और इसका जो रफ्तार है, बहुत ही तेजी से आगे बढ़ रहा है पृथ्वी की ओर। अगर पृथ्वी में टकराता है या उसके करीब से भी जाता है तो ये बेहद ही खतरनाक होगा हम लोगों के लिए। मैं लास्ट में बताऊंगा इससे क्या खतरा होता है, नहीं होता है, मैं लास्ट में बताऊंगा। दोस्तों, इसकी जो रफ्तार है 11.6 किलोमीटर पर सेकेंड यानी कि 11.6 किलोमीटर पर सेकेंड, पर आवर नहीं है, पर सेकेंड है। आप समझ लीजिए कितना तेजी से आगे बढ़ रहा है। और इसकी जो लंबाई है 1 किलोमीटर, इसके यूएस के गोल्डन गेट ब्रिज के साथ आप कंपेयर कर सकते हैं। यानी कि 1 किलोमीटर लंबाई, अगर 1 किलोमीटर लंबाई वाला कोई ऑब्जेक्ट अगर पृथ्वी में टकराए तो क्या नौबत होगा, बेहद ही खतरा होगा ना। तो इन टाइप का जो एस्टेरॉयड है, इसको शामिल किया जाता है अपोलो श्रेणी के एस्टेरॉयड में, शामिल किया जाता है। अपोलो श्रेणी के जो एस्टेरॉयड होते हैं ये बेहद ही खतरनाक होते हैं। दोस्तों, ये बेहद ही बड़ा साइज का एस्टेरॉयड है। इसकी लंबाई तो 1 किलोमीटर है, इसकी जो चौड़ाई है यानी कि डायमीटर जो है ना, डेप्थ डायमीटर जिसको बोलते हैं, वो है 0.6682-1.493 किलोमीटर डायमीटर, यानी कि बेहद ही बड़ा साइज का एस्टेरॉयड बोला जा रहा है। इन जनरली जो एस्टेरॉयड होते हैं उनके मुकाबले 97% बड़ा, जो भी उनका साइज होता है उनके मुकाबले 97% उनसे बड़ा होता है ये। यानी कि समझ लीजिए इसका चौड़ाई लंबाई कितना साइज का होता है। इन जनरली इसको कंपेयर कर लीजिए यूएस का जो गोल्डन गेट ब्रिज है उसके संग आप इसको कंपेयर भी कर सकते हैं। इसको सबसे पहले देखा गया था यानी कि डिस्कवर की गई थी 16 जनवरी 1997 में, और कल यानी कि 21 मई 2020 में पृथ्वी के बेहद ही करीब को आने वाला है, बेहद ही तेजी से आगे बढ़ रहा है। नासा की ओर से यह बताया जा रहा है, इन टाइप के एस्टेरॉयड अगर पृथ्वी में टकराते हैं या बेहद ही करीब से गुजरते हैं तो इससे बेहद ही खतरनाक अंजाम होगा, और ये पृथ्वी को ध्वंस भी कर सकते हैं या सुनामी भी ला सकते हैं। इन टाइप के चीज़ों से बहुत ही खतरनाक अंजाम होगा, ये बताया जा रहा है नासा की ओर से। और ये भी बताया जा रहा है, अगर ये ना भी टकराए, अगर बेहद ही करीब से यानी कि वर्ल्ड के बेहद ही नियरेस्ट से गुजरे बहुत ही करीब से, तो उससे भी खतरा होगा। उससे सबसे बड़ा खतरा ये है, ये सुनामी ले आएंगे। सुनामी मतलब हमारे समंदर के जो पानी है उनको ओवरफ्लो कर देंगे। ओवरफ्लो करने के बाद हमारे जो स्थल भाग हैं वहाँ पानी आ जाएंगे, यानी कि बाढ़ ले आएंगे। इन टाइप के भी सिचुएशन क्रिएट हो सकता है। नासा की ओर से ये भी बताया जा रहा है, इन टाइप के जो बड़ा साइज का एस्टेरॉयड अगर पृथ्वी की ओर आगे बढ़ता है, अगर इन्फॉर्मेशन भी मिल जाती है नासा को या वर्ल्ड को टकराने वाला है, तो इनको ध्वंस भी नहीं कर सकते। इन जनरली क्या होता है, छोटे साइज के जो एस्टेरॉयड होते हैं इसके लिए नासा एक एटलस सिस्टम सेट करके रखा हुआ है। अगर उनको इन्फॉर्मेशन मिलता है ये पृथ्वी की ओर आगे बढ़ रही है, तो नासा एक एटलस सिस्टम के जरिए एक रॉकेट भेजती है, उसको तोड़ देती है, मतलब बड़ा साइज को छोटे छोटे साइज में कन्वर्ट कर देते हैं। वो गिरेंगे भी तो कोई दिक्कत नहीं होगी, पर इन टाइप के जो एस्टेरॉयड है इनको अगर तोड़ भी दिया जाए तो आपस में फिर जुड़ जाएंगे। हमारे जो वर्ल्ड के ग्रेविटेशनल फोर्स है उसको सहायता करते हैं इनको जुड़ने के लिए, ये फिर जुड़ जाएंगे, फिर बड़े होकर ये वर्ल्ड में गिरेंगे, तो ये भी खतरा हो सकता है। दोस्तों, इन जनरली होता क्या है, इन जनरली एस्टेरॉयड घूमते रहते हैं इधर उधर यूनिवर्स में, जहाँ पे जीरो ग्रेविटी होती है वहाँ पे रन करते रहते हैं, वहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं होता है, हवा नहीं होता है, इन जनरली से भासते रहते हैं। पर जब ये वर्ल्ड के रीजन में आ जाते हैं, वर्ल्ड के ग्रेविटेशनल फोर्स में आ जाते हैं, वहाँ क्या होता है ना, वर्ल्ड का ग्रेविटेशनल फोर्स इनको खींच के ले आता है। अगर खींच के लिया है एक बार कोई एस्टेरॉयड अगर वर्ल्ड के ग्रेविटेशनल फोर्स के दायरे में आ जाते हैं, तो इनको इतना तेजी से खींच के ले आता है, अब वो आके वर्ल्ड में टकराता है। अगर वर्ल्ड में 1 किलोमीटर वाला लंबाई वाला कोई चीज अगर टकराए जिसका रफ्तार 11.6 किलोमीटर पर सेकेंड, पर आवर नहीं है, पर सेकेंड, इतना तेजी से वो आके टकराए, तो क्या अंजाम होगा, समझ लीजिए वो पूरा होल कर देगा, छेद कर देगा, या सुनामी भी ले आएगा, या उस एरिया में पूरा ध्वंस मचा देगा, या कुछ भी नहीं रह सकता है, पूरा वर्ल्ड से हमारी मतलब अस्तित्व खत्म हो जा सकती है। इन टाइप का सिचुएशन क्रिएट हो सकता है। इस टाइप का जो बड़े बड़े एस्टेरॉयड होते हैं, इनको इस टाइप के बहुत सारे बड़े एस्टेरॉयड हैं जो कि 2000 से ज़्यादा, जिसको नासा नज़र रखी हुई है, हर वक्त उनको टेस्ट किया जा रहे हैं, मतलब उनको देखा जा रहा है उनकी अभी प्लेस क्या है, उनको ट्रैक किया जा रहा है। इन टाइप के जो बड़े बड़े एस्टेरॉयड हैं जो कि वर्ल्ड को खतरा है उनके लिए। नासा की ओर से बताया गया था इस साल बहुत ज़्यादा एस्टेरॉयड आने वाले हैं, और आ भी गए हैं, कुछ एस्टेरॉयड आ गए हैं, कुछ दिन पहले एक एस्टेरॉयड क्रॉस करके चला गया, उसे कोई खतरा नहीं हुआ है। अगर उस वीडियो नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन पेज में जाके देख सकते हैं, क्लिक करके लिंक को, उसमें बहुत जानकारी दिया हूँ
इसका रीजन क्या होता है, एस्ट्रॉइड फॉर्मेशन कैसे होता है, एस्ट्रॉइड का रीजन कहाँ होता है, किस टाइप से फॉर्मेशन होते हैं, किस टाइप से ये वर्ल्ड को ध्वंस करते हैं, उस सारा चीज़ उसमें दिया हूँ। अब डिस्क्रिप्शन पेज में लिंक है, वहाँ क्लिक करके देख सकते हैं। उसके बाद और भी कुछ चले गए हैं और कुछ भी बड़े बड़े आने वाले हैं, जो कि कल एक बड़ा सा आने वाला है, उसे क्या खतरा हो गया देखने वाली बात होंगी। तो इस टाइप का जो है एस्ट्रॉइड आता रहता है, हमेशा आता रहता है, ये नहीं कि पहली बार आ रहा है, हमेशा आता रहता है, छोटे बड़े साइज के आते हैं, पर इसको जो बताया जा रहा है ये बड़ा है, खतरनाक है। लास्ट को आपको ये बता दूं, नासा की ओर से इन्फॉर्मेशन है जो इसकी जो डिस्टेंस होगी, मतलब वर्ल्ड से इसकी डिस्टेंस जो होगी 61,56,666 किलोमीटर, यानी कि बहुत ही दूरी से गुजरेंगी, इससे वर्ल्ड को कोई खतरा नहीं होगा, नासा की ओर से ये बताया जा रहा है। पर ये भी बताया जा रहा है अगर इसकी डायरेक्शन मुड़ जाती है तो दिक्कत हो सकती है, अगर ये ना भी टकराती हैं तो सुनामी ला सकती हैं अगर नज़दीक से गुजरेंगी, इस टाइप का इन्फॉर्मेशन नासा की ओर से दिया जा रहा है। आप इसको चेक कर सकते हैं, नासा के साइट में जाके वहाँ दी गई हैं, वहाँ पे आप ट्रैक कर सकते हैं किस सिचुएशन में कब ये गुजरती हैं। तो दोस्तों आप इससे बेफिक्र रहिए, इससे कोई ज़्यादा खतरा नहीं होने वाला है, ये नासा की ओर से बताया जा रहा है। तो दोस्तों आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही, अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर जरूर करें, और फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।